हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फोटोकॉपियर मशीन से पेज सेटिंग, जो ड्रॉयर में पेज रखते हैं उस ड्रॉयर में, मतलब कैसेट में जो पेज रखते हैं उसका ऑप्शन एलसीडी स्क्रीन में आना चाहिए। अगर एलसीडी स्क्रीन में ऑप्शन आता है तो वो पेज आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। अगर लीगल, मान लीजिए कोई भी ड्रॉयर में लीगल रख के आप उसको फोटोकॉपी करना है, अगर ऑप्शन नहीं आता तो उसको फोटोकॉपी नहीं कर सकते। ऐसे ही A3 लीगल लेटर, A4 जो भी है वर्ल्ड में, जितना दुनिया में, सारा दुनिया में, वर्ल्ड का किसी भी जगह में जहाँ जैसा पेज चलता है उसी हिसाब से फोटोकॉपियर मशीन में पेज रखने का सिस्टम बनाया गया है। आप जैसे भी सेटिंग करते हैं वैसे ही पेज को रख के फोटोकॉपी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आना बहुत जरूरी है LCD स्क्रीन में। तो चलिए LCD स्क्रीन में ऑप्शन को कैसे लाना है। मान लीजिए आपका एक ड्रॉयर काम कर रहा है, वो एक ही ड्रॉयर से आप सारे पेज को करना चाहते हैं, कोई भी साइज हो। तो चलिए कैसे करते हैं पेज सेटिंग, जो ऑप्शन LCD स्क्रीन में आए, LCD स्क्रीन में आने से आप उससे फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। लीगल लेटर A4 जो भी साइज आप रखना चाहते हैं, एक ही पेज, एक ही ड्रॉयर में कोई भी पेज रख के आप उसका फोटोकॉपी करने के लिए जो सेटिंग है वो आज आपको दिखाएंगे। तो कैसे करते हैं, तो चलिए फोटोकॉपी मशीन में चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, फोटोकॉपी मशीन में ऑप्शन को चेंज करके दिखाते हैं, ऑप्शन आता है कि नहीं आता, मतलब आप कौन सा पेजेस रखे हैं, A4, A3, लीगल लेटर, जितना सारा साइज है वर्ल्ड में, कोई भी साइज आप कोई भी ड्रॉयर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाना ज़रूरी है। अगर ऑप्शन दिखाता है तो देखिए, यहाँ पे हम जो सेटिंग करके रखे हैं, जो लीगल करके रखे हैं और एक ठो A4 करके रखे हैं, तो कोई भी पेज आप किसी भी ड्रॉयर में भी आप दिखा सकते हैं। कोई भी साइज, कोई भी साइज का पेज हो, किसी भी कैसेट में, मतलब किसी भी ड्रॉयर में भी आप वो ऑप्शन दिखा सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो आप हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले फोटोकॉपियर मशीन में ड्रॉयर में चल कर दिखाते हैं। ये जो ऑप्शन है अभी यहाँ पे, जो A4 दिखाई दे रहा है उसको चेंज करके भी लीगल ही कर देते हैं। तो चलिए करके दिखा भी देते हैं, मतलब दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लेटर दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ पे A4, यहाँ पे हम लीगल दिया तो देखिए यहाँ पे लीगल दिया लेकिन लीगल नहीं आया, आया तो A3 साइज। तो मतलब एक तो A3, बाकी तीन तो लीगल दिखाई दे रहा है। तो लीगल, ये जो A3 है इसको भी लीगल कर देते हैं। लीगल पेज है भाई, लीगल पेज अभी रखा, बंद किया और देखिए यहाँ पे लीगल हो गया। मतलब ये जो सिस्टम है हॉट डायर का, हम करके चेंज कर करके दिखा देते हैं। इसको एक ठो ऑप्शन चेंज करें, ये राउंड वन साइड ही घूमता है, दोनों साइड नहीं घूमता। अगर इस साइड घुमाने की कोशिश करोगे तो ख़राब हो सकता है, इसीलिए वन साइड ही इसको घुमाना चाहिए। मान लीजिए आपको ये जो लेटर है, लेटर लगाया तो सारे ड्रॉयर को हम लेटर कर देते हैं, सारे मतलब दो ठो ड्रॉयर के दिखा देते हैं। अभी सारे ड्रॉयर को दिखाने से, एक ड्रॉयर से दिखाने से आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे AB लेटर रख दिया, ये बटन है, ये सैम्बल है, सैम्बल के स्ट्रेट लाइन में लेटर करके रखा और इसको भी लेटर करके रखा, मतलब इसको हम लैंडस्केप में रखे हैं, फोटोकॉपियर मशीन का लैंडस्केप में लेटर करके रखें। देखिए एक ठो में, दोनों में लेटर रखे हैं लेकिन एक ठो लेटर हुआ, एक ठो A4 हुआ, तो दोनों की हम A4 या लेटर कर देते हैं। लेटर
लेटर है, देखिए दोनों ए फोर हो गया। चलिए अब दिखाते हैं, अगर लेटर दिखाना है तो चलिए लेटर भी करके दिखाते हैं, मतलब आपको ऑप्शन भी या बटन कुछ सिस्टम रहता है वो बाद में दिखाते हैं। ये देखिए दोनों लेटर दिखाई दे रहा है। अब दोनों को हम A3 करके दिखा देते हैं, दोनों लीगल हो गया। अब ये दोनों को A3 भी करते हैं। लीगल लगाया, इसमें भी लीगल है, इसमें भी लीगल है, जो दिखाई दे रहा है वो लीगल दिखाई दिया वहां पे। देखिए यहाँ पे दोनों डॉलर देखिए A3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी साइज आप कर सकते हैं, किसी भी डॉयल में कोई भी साइज आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझा दें, A3 का जो लैंडस्केप नहीं है, A3 का जो पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ के पेपर जो जिससे जैसे रखा गया है, यहाँ पेपर देखिए कैसे रखा गया है, लंबाई करके सारे पेज को लंबाई करके रखते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शन जैसे करते हैं उसी हिसाब से ड्रॉयर में पेज को रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको चेंज करके आप फिर से हम आपको चेंज कर देते हैं कुछ। ये जो यहाँ पे सैम्पल दिखाई दे रहा है, पेज का जो सैम्पल है, देखिए पेज का सैम्पल, ये ऐसे खड़ा करके रखा गया है और इस पेज को सैम्पल देखिए लंबा करके रखा गया है, मतलब फ्लैट करके और एक तो लंबा करके। तो जो आपका पेज का यहाँ सैम्पल रहेगा, साइन जो है पेज का, उस साइन के हिसाब से वहाँ पे पेज दिखाएगा। लेकिन यहाँ के जो साइन है देखिए ऐसे करके पेज रखा गया है और यहाँ पेज रखा गया इसे लंबा करके, अगर इस साइन में हम करते हैं तो देखिए वहाँ पे क्या, इसी साइन से वहाँ पे दिखाएगा पेज को, A4 को दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर ड्रॉयर में साइन अलग है और इस यहाँ का साइज अलग है, मतलब यहाँ पे साइन जैसा होना चाहिए उसी साइन से आपका पेज को ड्रॉयर में रखना है। तो चलिए फिर इसको भी चेंज करके आपको साइन भी चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जो साइन है वही साइन आप सिलेक्ट जो साइन करते हैं वही साइन से ड्रॉयर में पेज को रखना है। यहाँ पे जो साइन दिखाई दे रहा है वही साइन से आपको पेज ड्रॉयर में रखना है, मतलब ऐसे लंबाई करके अगर होता है तो पेज को आपको यहाँ पे ऐसा ही रखना है, लंबाई करके ड्रॉयर में वैसे ही रखना है। तो जैसा यहाँ पे साइन रहेगा वैसा ही पेज को ये ड्रॉयर में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर पेज तो लंबाई हो गया, मतलब ऐसे हो गया। तो आप जैसे भी पेज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे, वहाँ पे ऑप्शन जैसे रखना चाहते हैं ड्रॉयर में उसी हिसाब से पेज को वहाँ पे रखना पड़ेगा, तब यहाँ साइन जैसा दिखाई देगा उसी हिसाब से स्कैनिंग भी उसी हिसाब से होगा। तो मान लीजिए इसको अगर आप सिलेक्ट करते उसी हिसाब से पेज है उसी हिसाब से स्क्रीन में आएगा उसी हिसाब से स्कैन भी होगा। तो चलिए इसको कैसे चेंज करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, कैसे करते हैं चेंज।
चेंज करने का यहाँ पे सिस्टम जो है एक बटन से ही दिया गया है। बटन का जो सिस्टम है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो व्हील है जो घुमा घुमा के आप पेज चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक स्विच है जिस स्विच से अप एंड डाउन करने से ऑप्शन चेंज होता है। अगर यहाँ पे लेटर है, लेटर A4 बन जाता है, और लेटर इस स्विच से, ये स्विच अगर अप एंड डाउन करते हैं तो लेटर A4 बनता है। ये जो स्विच है देखिए, स्विच को कैसे करते हैं दिखाते हैं, जस्ट प्रेस कीजिए ऊपर को तो ऊपर चला जाएगा, नीचे को प्रेस कीजिए तो नीचे आ जाएगा। इसमें कोई टूटने का डर नहीं है, आप समझते होंगे जो टूट जाएगा, टूटेगा नहीं। ये अगर यूज़ आप नहीं की है आपका मशीन में, थोड़ा प्रेस दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से अगर यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा टूटने का डर लगेगा आपको, लेकिन टूटेगा नहीं। इसमें ऐसा ही सिस्टम है, अप एंड डाउन, यही सिस्टम से आपका पेज चेंज होगा। तो आपको इसी हिसाब से आपको चेंज करना है, इसी हिसाब से आपको करना है, तो आपका ड्रॉयर में भी उसी हिसाब से पेज रखना है जहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे जो साइन आपको दिखाई देगा पेज का जो साइन है, उसी साइन के हिसाब से आपको पेज ड्रॉयर में भी रखना होगा, तब जाके आपका उसी हिसाब से फोटोकॉपी बनेगा। तो ये बहुत लोग नहीं जानता, इसीलिए इसको दिखा दिया, इसको टूटे डर लगेगा लेकिन टूटेगा नहीं। और इसका घुमाने का जो सिस्टम है वो वन साइड घूमेगा, इस वन साइड ही घूमता है। इसको अगर इस साइड में घुमाने की कोशिश करोगे तो टूटने का चांसेस रहेगा, तो हमेशा ही वन साइड ही घूमता है, वन साइड ही घुमाइएगा। ये जो सिस्टम है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डोर का हर डोर में एक स्विच रहता है, जो स्विच यहाँ से सेंस लेता है, जिससे कि इसमें जो सिस्टम है देखिए, इसका जो गैपिंग है गैप में पड़ जाता है, उसी हिसाब से इसमें स्टिकर लगाया गया है डोर में, जिससे कि आपको कौन सा पेज चाहिए तो उसी हिसाब से इसमें सेटिंग बनाया गया है। तो वो है, हर डोर में एक ही सिस्टम है, ऐसे ही रखा गया है, ऐसे ही सिस्टम बनता है। देख लीजिए सारे डोर को हम दिखाते हैं, तो ऐसे ही सिस्टम रहता है हर डोर में। लेकिन कोई सोचता होगा कि मेरे डोर में ये ऑप्शन नहीं आता, वो ऑप्शन नहीं आता, लीगल नहीं होता, तो मैं कैसे करूँ? तो ये करने का तरीका है, आपका कोई भी ड्रॉयर हो, सारे ड्रॉयर में भी कोई भी पेज रख के आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है घुमाकर, और अगर वो ऑप्शन नहीं आता तो इसको उठाना है, अगर ऑप्शन जो भी चाहते हैं उसी हिसाब से उठाना है और नमाना है, तो आपका वो ऑप्शन चलाएगा। तो सारा मशीन में एक ही सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ सिस्टम एक ही जैसा होता है, बटन कुछ इधर हो सकता है कुछ उधर हो सकता है, तो बटन को आपको ढूंढ लेना है आपका ऑप्शन वो मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलता है तो जरूर कहीं पे वो ऑप्शन है, आपको वो ढूंढना होगा। तो इसी हिसाब से कर लीजिए, आपका कोई भी पेज सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉयर में कोई भी पेज आप रख के उसका सेटिंग करके उसको फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखा दिया कैसे क्या चेंज करने से आपका फोटोकॉपियर मशीन में कोई भी ड्रॉयर में कोई भी पेज सेटिंग कर सकते हैं। तो जब तक आप इस ड्रॉयर को मशीन के साथ पुश नहीं करते चेंज करने के बाद, तब तक आपको LCD स्क्रीन में वो शो नहीं करेगा। तो इसीलिए जब चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद LCD स्क्रीन में शो करता है कि नहीं देखने के लिए आपको वो ड्रॉयर को मशीन में लगा देना पड़ेगा, तब आपको शो करेगा। तो तब जाके आप कोई भी साइज कोई भी ड्रॉयर में रख के प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो देने के लिए हम तैयार करते हैं, तो चलते हैं।